तो गाइज अभी अगर आप मेरे इस वीडियो को अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की अभी हाफ स्क्रीन में देख रहे हैं, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फुल स्क्रीन पर कर दीजिए इस वीडियो को। उसके बाद देखिए इस साइड कॉर्नर में हमारे चैनल का आपको कोई अदर लोगो दिखाई देता होगा, ठीक है। और जैसे ही आप टैप करेंगे स्क्रीन पर, तब जो पॉज वाला बटन आता है वो सब आ जाता है और फिर वो लोगो गायब हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, ये लोगो क्या है, इसका लोगो का क्या मतलब है, ये क्यों रहता है? तो मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपने डेस्कटॉप पीसी में देखोगे तो वहाँ पर आप अपने जो इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करो या फिर नहीं करो, लेकिन आपको इस साइड कॉर्नर में वो लोगो आपको नज़र आएगा ही आएगा। और जैसे ही आप अपने कर्सर को इस लोगो पर लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन टाइप का आएगा कि इस चैनल को आप व्यू कर सकते हो और चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर व्यू और सब्सक्राइब का आ जाएगा ऑप्शन, तो वहाँ से आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या ये हम अपने YouTube चैनल के लिए कर सकते हैं और ये चीज़ है क्या, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम कैसे अपने YouTube चैनल में इनेबल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। बेनिफिट तो आपको ऑब्वियसली पता चल चुका होगा कि अगर आप डेस्कटॉप में वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखते देखते आपको अगर वीडियो पसंद ज़्यादा आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये एक अच्छा लुक देता है, ऑटोमेटिक वाटरमार्क आपकी वीडियो में लग जाता है, ठीक है, ताकि इस वीडियो को कोई डाउनलोड करके और अपने चैनल में अपलोड ना कर सके, वाटरमार्क इसमें ऑटोमेटिक लग जाता है। अब इसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबल आप भी हैं और हम भी हैं। इसकी क्राइटेरिया ऐसे देखे जाए तो कुछ नहीं है, आप इसको आप ऑन कर सकते हैं। अब कैसे ऑन करना है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम कहते क्या हैं। तो इस फीचर का नाम है ब्रांडिंग, चैनल ब्रांडिंग। चैनल ब्रांडिंग को आप इनेबल कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना एक लोगो लगा सकते हो, इमेज सेट कर सकते हो और वही इमेज आपका एज ए वाटरमार्क नज़र आएगा, एज ए ब्रांडिंग नज़र आएगा, लोग आपके वीडियो में देख पाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और YouTube.com सर्च करना है, ठीक है। YouTube.com जैसे सर्च करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है। उसका डेस्कटॉप साइट से आपको इसको इनेबल कर लेना है और जैसे डेस्कटॉप साइट इनेबल हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 डॉट आपको दिखता होगा अपर साइड में, सॉरी लोगो नज़र आता होगा आपको अपनी चैनल का कुछ यहाँ पर, तो इस पर हमें टैप करना है। हम जैसे ही लोगो पर टैप करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो पर, उसके बाद हमें टैप करना है। जैसे हम यूट्यूब स्टूडियो पर टैप करते हैं उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद अगेन एक नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। और जैसे YouTube स्टूडियो खुल जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको नीचे में अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता होगा, ये वाला सेटिंग, तो इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करते हैं यहाँ पर आपका पूरा सेटिंग खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम आपको जूम इन करके दिखाते हैं, चैनल पर जाना है और जैसे चैनल पर जाते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप खुद देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ब्रांडिंग का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार दिखाते हैं, ये देखिए ब्रांडिंग ऑप्शन खुद ब खुद मिल गया, इस पर हमें टैप करना है। जैसे हम ब्रांडिंग पर टैप करते हैं ये देखिए हमारा पूरा जो सिस्टम है वो खुल चुका है, यही वाला लोगो आपको दिखता होगा कुछ इस प्रकार का। अब देखिए यहाँ पर ये सारा सेटिंग आपका खुल चुका है, तो यहीं से आपको सारा चीज़ सेट करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, पहला है आपका रिमूव का, दूसरा है रिप्लेस का। रिप्लेस पर टैप करोगे तो आप अपने वाटरमार्क को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब सेटिंग है डिस्प्ले टाइम की, ये जो लोगो है वो डिस्प्ले कहाँ होगा, तो मैंने यहाँ पर एंटायर वीडियो करके रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। कस्टम स्टार्ट टाइम भी कर सकते हो, एंड वीडियो भी कर सकते हो कि वीडियो के एंड में सिर्फ शो होगा, नहीं तो आपको टाइम को कस्टम भी कर सकते हो और नहीं तो एंटायर वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एंटायर वीडियो करके रखा है, पूरा वीडियो में दिखता है। और उसके बाद आपको सिंपल सेव कर देना है, फिर ब्रांडिंग आपका इनेबल हो जाएगा बस यार। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए, वीडियोज अपलोड कीजिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मचाते रहिए।